किसान से तो प्रेम पूर्ण हो सके। किसान साथी, मैं आपसे बात करूं, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये आपकी गाय गाभन है या भैंस गाभन है? क्योंकि आप जब गाभन गाय खरीदते हो या भैंस खरीदते हो, उस समय क्या होता है, आपको बहुत सारे लोग दलाल ठग लेते हैं। हाँ भाई, ये गाय 8 महीने 9 महीने गाभन, आप इसको ले जाओ। उस समय बहुत सारे किसान ठग जाते हैं कि भाई कैसे पहचाने की गाय गाभन है कि नहीं, ये मेरे पास गाय गाभन है, इसको हम कैसे पहचाने की हमारे पास गाभन गाय है या नहीं है। उसके लिए सबसे सिंपल सा बात है, सबसे पहले आप इसका एक बार अर्डर चेक करें, क्योंकि जब गाय आपकी 8 साढ़े 8 महीने जब गाभन होती है, तो उसका जो अडर होता है, ये जो आप इसको थन देख रहे हो, ये नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि धीरे धीरे डाउन होता है धीरे धीरे, ठीक। और इस गाय में आप देखोगे चंचलता बहुत ज्यादा होती है। ये अगर गाय गाभन है, इसमें चंचलता आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। दूसरे नंबर के साथ होते, ये तो होगी भाई अडर पे बात। जैसे जब गाय आपकी घूमती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो ये पुट्ठा होता है, मतलब इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, जब पुट्ठा होता है, आप इसको देखिए डाउन आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ आप अगर पीछे से देखोगे यहाँ पे, तो भाई इसकी जो सेपी है, जो हमारे पशु यहाँ से पेशाब वगैरह करती हैं, उसकी जो चीजें हैं, योनी है, उनका डाउन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको एक साइड से देखोगे, इनकी जो अडर होती है, अडर नीचे की तरफ आती है। तो ये थोड़ा था भाई कि हमारा पशु 8 साढ़े 8 महीने गाभन है, तो ये चीज हम समझ जाते हैं। लेकिन दलाल लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप पशु किसी से खरीदते हो या फिर किसी किसान से गाय खरीदते हो, वो क्या करता है, आपको ठग लेते हैं। कैसे ठगते हैं, वो बोल देंगे खामखा वो गाय गाभन नहीं, वो बोल देंगे भाई ये गाय गाभन है, तो आप उस समय कंफ्यूज होते हैं भाई, आप ले लेते हो भाई जो चीज 20,000 रुपए की, आप उसको 40,000 50,000 रुपए करके आप ले लेते हो। तो उस जगह बहुत सारे लोग ठग जाते हैं। जब 9 महीने आपका पूरा होता है, 10 महीने पूरे, साल भर 1 साल पूरा होता है, फिर भी गाय आपकी बच्चा नहीं देती है, तो उसको पहचानने का जो नियम है, दो ही नियम को आपको पालन करना है। पहला नंबर, आप अपने पशु को एक चीज देखिए कि चंचल है या नहीं है। अगर हमारी पशु गाभन है तो चंचल है या नहीं, चंचलता उसके अंदर है या नहीं है, मूवमेंट क्या है, ये पहला सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात किसान साथियों, आप जब इनके अर्डर पे आओगे, ये जो आप इसका अर्डर देख रहे हो, अर्डर जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जिसको हम थन लेटिक आदि बोलते हैं, ये इनका जैसे से महीना इनका आएगा, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे डाउन होगा, ये जो इनका अर्डर है ये धीरे धीरे डाउन होगा, ये इनका धीरे धीरे झुकता है। और पूंछ के पास आप देखेंगे, पूंछ के पास इनका कुछ जेल निकलता रहता है, जो पशु जब इनके गाभन होती है, पेट में जब बच्चे होते हैं, तो कुछ कुछ निकलते रहते हैं, जेल वगैरह निकलता रहता है, जिससे हमें पता चलता है भाई ये गाभन है, कि मोटी धारा या पतली धारा, वो चीज आप इसको देख सकते हो। तो आप और पशु अगर खाना, कोई सा भी खाना दोगे, तो पशु खाएगी, चाव से खाएगी, लेकिन धीरे धीरे खाती है, क्योंकि जब ये पशु गाभन होती है तो पशु धीरे धीरे खाना खाती है, स्लो स्लो खाना खाएंगे, वो ज्यादा हाई स्पीड में खाना नहीं खाएंगे किसान साथियों। तो ये चीज होता है। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्लियर करने के लिए, जरा नजदीक लाकर दिखाएं इनका पेट, ये पेट जो आप देख रहे हो आपसे, ये जो पेट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पेट इनका नीचे की तरफ झुक जाता है, ये पेट का झुकाव जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, ये पेट इनका अच्छा खासा आपको फूल जाता है, यानी कि जब इनके पेट में बच्चे रहते हैं, तो इनका पेट का जो साइज है पहले गाय के, पहले के मुकाबले, अभी के मुकाबले बहुत ही पेट बड़ा हो जाएगा। तो आप इस चीज को जरूर नोटिस करें कि अगर आपकी पशु गाभन है या आप गाभन पशु खरीदो, तो उसका पेट का झुकाव है कितना आ रहा है, वो झुकाव को जरूर ध्यान दें आप। अगर पेट का झुकाव अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप समझ जाइए गाय 100% गाभन है किसान साथियों। तो इस चीज से भी हमें पकड़ सकते हैं कि हमारी गाय गाभन है या नहीं है, तो आप इसको जरूर देखें। और साथ साथ देखते किसान साथियों, जो पीछे की जो पुट्ठा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुट्ठा मारना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो पुट्ठा मारने का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जब जैसे गाय आपकी गाभन होती है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन फॉल होता है, ये जो आप मेरे हाथ देख रहे हो जहाँ पे, ये धीरे धीरे डाउन होता है, आपको आप यहाँ पे ये धीरे धीरे जैसे इस गाय का डाउन हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे डाउन होता है धीरे धीरे करके, आप इसको देखें यहाँ पे, ये धीरे धीरे करके डाउन होता है किसान साथियों। ये जब डाउन होगा, आप समझ जाना भाई ये गाय जो है बच्चा देने वाली है, या ये गाभन है 8 महीने की, ये आपको दिख जाएगी। ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे कम से कम 2-3 इंच का आपको यहाँ पे धस जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुट्ठा मारना बोलते हैं। आप इस चीज को भी जरूर ध्यान देखें, साथ साथ इसकी पूछ पे आप ध्यान दें, इनकी जो पूछ है, आपकी पूछ, ये जो गाय का पूछ देख रहे हो, ये पूछ औरों के मुकाबले, यानी और गाय के मुकाबले इनकी पूछ जो है आपको मोटी देखने को मिल जाएगी, कि जो पूछ है और गाय के मुकाबले इनकी पूछ जो है मोटी आपको देखने को मिल जाएगी, पूछ का साइज थोड़ा मोटा देखने को मिल जाएगा। गाय जो है आराम से कभी नहीं रहेगी, वो जित थोड़ी देर बैठेंगी थोड़ी देर उठेंगी, थोड़ी देर बैठेंगी थोड़ी देर उठेंगी। आप जान लें कि भाई ये जो गाय है ये हमारी गाय गाभन है, तो आपको पूरा यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी पशु गाभन है। तो ये जैसे गाभन है और चंचलता में है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसको खरीद के लाया था किसान साथियों, मैंने खरीदा था इसको इसलिए क्योंकि मैं अपने फार्म पे रखना चाहता हूँ। तो ये किस नस्ल की, मैंने आपसे पूछा था, कमेंट जरूर बताया। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, ये आपको एक साहिवाल क्रॉस में आ रहा है और एक जर्सी क्रॉस में, यानी कि दोनों क्रॉस ब्रीड में, साहिवाल और जर्सी क्रॉस ब्रीड में मैंने इस नस्ल को इसलिए सिलेक्शन किया, क्योंकि देखिए किसान साथियों, एक तो ये बीमार कम पड़ती है,
दूसरी बात किसान साथियों, इनकी जो बॉडी का शेप है, एक तो छोटा आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप मेरी गाय को देखोगे तो ये आगे से आपको साहिवाल में नजर आएगी और पीछे से ये आपको क्रॉस में नजर आ जाएगा। किस नस्ल में? ये जर्सी नस्ल में। तो आप देख सकते हैं बैठने के लिए क्या कर रही है, तो बैठेंगी। तो किसान साथियों, मैं आपको ये चीज बताऊं, आप जब भी गाभिन पशु खरीदें तो इस चीज को आप जरूर यूज करें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो आप उस चीज को जरूर ध्यान दें किसान साथियों। तो आप इस तरीके से प्रॉपर पहचान सकते हो कि ये पशु हमारी गाभिन है या नहीं है, या आप जो किसान साथियों गाय के लिए खरीदना चाह रहे हो या भैंस के लिए, आप इस चीज को जरूर फॉर्मूला का यूज किया करें कि जो हम गाभिन पशु खरीद रहे हैं वो कैसी है नहीं है। आप उनके आर्डर पर जरूर ध्यान दें कि उनका आर्डर का झुकाव क्या है, जरा नजदीक ला के दिखाएं। ये देख सकते हैं, जैसे मैं इनका आर्डर को टच कर रहा हूँ तो भाई पता चल रहा है कि हमारी गाय गाभिन है, देख सकते हैं। तो ये सब पता चल जाता है कि वे 7.5 महीने 8 महीने की जब गाभिन होती है पशु, तो भाई इनको थोड़ा हल्दी वगैरह आप लगाया करो। अभी मैं हल्दी उल्दी लगाऊंगा इनको, आप जो भी फीड वगैरह दे रहे हो अच्छा से इनको फीडिंग करवाएं, फीडिंग में कोई तरह की कमी ना रखें। पशुपालक साथियों, इसको बेसन दे आप, उसके बाद आप अपना जो भी हरा चारा भूसा वगैरह खल वगैरह जो भी दे रहे हैं आप प्रॉपर दे मेंशन करें आप इसको किसान साथियों। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गाभिन पशु जब भी आप खरीदें, आप थनेला के बारे में पूछ लिया करो। जिन पशुपालक, जैसे मैंने गाय को खरीदा है उन किसान से मैंने पूछा था कि इसको कभी थनेला भी हुआ था, इसकी माँ का ब्लड लाइन क्या था, इसकी माँ ने कितना दूध दिया था, उस चीज को भी आप ध्यान दिया करें, तभी आप एक किसान हो कि भाई आप अच्छी गाय खरीद सकते हो। अगर इनकी माँ का ब्लड लाइन आपको पता चल जाता है, इसकी माँ ने कितना दूध दिया था, इसकी माँ कौन सी नस्ल की थी, अगर आपने ये चीज दो चीज कंफर्म कर लिया है तो किसान से तो आपको अच्छी गाय मिल जाती है। तो मैंने इसकी माँ का ब्लड लाइन देखा था, इसकी माँ ने 25 लीटर के आसपास दूध दिया था, तो मुझे उम्मीद है ये 20 लीटर 22 लीटर दूध देगी। सेकंड लैक्टेशन में गाय है और ये मैंने गाय अपनी पसंद से लिया। और मैंने आपको बताया भाई गाभिन पशु की पर डे, मैंने आपको बताया तो मैं इसका पर डे अपडेट दूंगा, ये कब डिलीवरी दे रही है, इसको मैं क्या क्या फीड दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपको बताने वाला। आज मैं बताऊँ आपको दूध जो गाभिन पशु की पहचान के बारे में बताया, तो गाभिन पशु जो है आपको इसी तरह के देखने को मिल जाते हैं और बहुत शांत स्वभाव की गाय होती है किसान साथियों। तो आप ये चीज देख सकते हो, बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ किसान साथियों, देखिए जब भी आप गाभिन पशु खरीदें तो उनको दुलार पर थोड़ा खड़ा करें ताकि वो अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज मैं आपको पीछे से अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो इनकी जो रीढ़ खड्डी होती है बहुत ही स्मूथली आपको देखने को मिल जाता है, नजदीक लाकर दिखाएं। ये जो रीढ़ खड्डी है, जब पशु हमारी गाभिन होती है तो रीढ़ खड्डी देखेंगे, रीढ़ खड्डी आपको बहुत स्मूथली देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखिए, जैसे गाय मेरी बैठी हुई है तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे भी धसा हुआ मिल जाता है दोस्तों। और इनके अगर पूछ आप देखोगे तो पहले के मुकाबले इसके मुकाबले में पूछ बाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस गाभिन पशु की पहचान ऐसा भी होती है कि भाई ये पशु हमारी गाभिन है। और इनके पूछ की मोटाई आप देखो तो पूछ की मोटाई पहले के अलावा इसमें बहुत अच्छा मोटा है। किसी भी चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो या फिर आपके पास जो बकरी, उनके पूछ देखोगे तो जब वो गाभिन नहीं होती तो पतली होती है, जब वो गाभिन है तो इसका पूछ है आपको मोटा देखने को मिल जाता है। और यहीं से हम अपने पशु को फीवर के बारे में जांच सकते हैं कि हमारे पशु का फीवर है या नहीं है, ये भी चीज हम यहीं से देख सकते हैं। हमारे पशु का ब्लड प्रेशर क्या है ये भी हम यहीं से पता कर सकते हैं। यहाँ पे जब नस्ल है, यहाँ पे आइए मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप ऐसे हाथ रखो आराम से और आप 60 सेकंड तक गिनोगे कितना बार ये आपको धड़क रहा है, इससे आप पता कर सकते हो इसका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। नहीं चला आप यहाँ पे काउंट करके गिन सकते हो, तो ये मेरी गाय का ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रेशर जो हम चेक करते हैं कान देख के कि भाई इनका कान में, इनका जो कान जो है, इनका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, पूरा कान से आप चेक कर सकते, कान से फीवर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई गाभिन पशु की पहचान में कैसे करना नहीं करना है। आपको मैंने वीडियो में पूरा बात बताया कि प्रैक्टिकली बताया कि आर्डर से, पूछ से, क्वालिटी से, आप हर चीज से आप पहचान सकते हो ये हमारी गाय गाभिन है या नहीं। वीडियो कैसे ली कमेंट जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पहले विजिट करें प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्वाइन जरूर करें किसान साथियों। और साथ साथ पशुपालन से मैं पर डे एवरी डे इनका क्या फीड दे रहा हूँ, क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, पूरी डिटेल्स मैं वीडियो पर डे डालूंगा जब तक इनका डिलीवरी नहीं होता, डिलीवरी होने तक के बाद भी मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद जी, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।